नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेमुआ हरी सब्जी से सकपैता। तो सकपैता बनाने के लिए चलते हैं, सबसे पहले ताज़ा फ्रेश करेमुआ ले लेते हैं और करेमुआ की ही बनाएंगे सकपैता, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी। तो चलिए ताज़ा फ्रेश करेमुआ ले लेते हैं। तो देखिए ये हम घर पे लगाए हुए हैं, तो घर पे अगर बोए रहेंगे तो 3 दिन पे 4 दिन पे इस तरह का करेमुआ निकलता है। तो 3 दिन पे 4 दिन पे आप इसकी एक रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा होता है, फायदेमंद भी होता है, महिलाओं को तो ज़्यादातर पसंद है। इसकी बहुत सारी रेसिपियाँ बनती है, सब्जी हुआ, मसालेदार सब्जी, सूखी सब्जी, दाल में भी इसे लगदावा या सकपैता भी बना के आप खाइए, और इसकी पकौड़ी, सब्जी, रसेदार भी बनती है, बहुत तरह की इसकी रेसिपियाँ बनती है। तो आज हम इसकी सकपैता बनाएंगे जिस तरह से हमारे घर पे बनती है। तो हम इसके लिए ताज़ा फ्रेश करेमुआ ले लेते हैं। देखिए आप लोग भी घर पे लगाएंगे तो इस तरह से स्वच्छ जगह आप लगाइए, खेत में भी, ऐसा नहीं है कि खेत में नहीं होगा, खेत में भी आप लगाएंगे तो खेत में भी होगा, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे आप लगाइए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे से ये पनपता है सीड के जगह, और बहुत ही बढ़िया ये निकलता भी है, 3-3 दिन पे 4-4 दिन पे बनाने के लिए निकल जाता है। तो जितना बनाना है उतना हम काट लिए हैं, लेके चलते हैं घर पे। अब इसे हम झाड़ेंगे पहले, ताकि इसमें जो कीड़ा वगैरह हो, थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसे झाड़ लेंगे सभी करेमुआ। बरसात का मौसम है, कभी कभार बारिश होती है तो कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं साग सब्जियों में, इसलिए हम इसे झाड़ के तब बनाएंगे। झाड़ने पे क्या होता है, जो इसमें कीड़े चिपके होते हैं वो सब निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो खाट पे हम लोग ज़्यादा करके, गांव में खाट ही होता है तो खाट पर ही झाड़ते हैं, अगर खाट नहीं है तो कोई भी डलिया वगैरह है उसी पर आप झाड़िए, कोई भी बर्तन लीजिए, इस तरह का बर्तन हो आप उस पर भी इस तरह से ऐसे ऐसे ठोक के झाड़ सकते हैं ऐसे। इसे हम झाड़ लिए हैं, अब 2-3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे। हरी सब्जी जितना ही खड़े आप धो लें उतना ही अच्छा है, 2-3 बार खड़े ही धोएं, चीर के धोने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पानी ज़्यादा उसमें आ जाता है और धोने में भी दिक्कत थोड़ा होती है। तो हरी सब्जी जो है पहले ही 2-3 बार पानी से इसे अच्छे से धुल लेना है, जिस बर्तन में रखेंगे उसे भी थोड़ा सा धुल लेते हैं। इसे हमें 2-3 बार पानी से अच्छे से धुलना है ताकि इसमें से जो भी कीटाणु हो, गंदगी हो, सब साफ हो जाए। अब इसको हम रख देते हैं पानी निकलने के लिए, जब तक पानी निकलेगा तब तक हम चलते हैं और दाल की तैयारियां कर लेते हैं। करेमुआ धो के रख दिए हैं, पानी निकल गया है, और इधर हम आग जला लिए हैं, लेव लगा के पानी इसमें रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो लगभग हम 2 लीटर पानी रखेंगे इसमें गर्म होने के लिए, तो 2 लीटर पानी यहाँ पे हम रख दिए हैं। पानी गर्म जब तक हो रहा है तब तक हम करेमुआ जो है एकदम बारीक बारीक काट लेते हैं। दाल में जब भी डालना हो बारीक ही काटना, सब्जी में थोड़ा बहुत बड़ा ही चल जाता है, पर दाल में अगर बारीक काटे रहेंगे तो खाने में बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से हमें एकदम बारीक काट लेना है। तो करेमुआ हम काट लिए हैं, लगभग आधा किलो करेमुआ है, और यहाँ पे हम 2 लीटर पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए, तो पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। दाल बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 रंग का दाल लिए हुए हैं, जो कि 100 ग्राम मटर का दाल है, 100 ग्राम अरहर का दाल है जिसे हम लोग गांव में रहर बोलते हैं, और 100 ग्राम उड़द का दाल है, हम लोगों के यहाँ इन्हें उड़द बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। इन सभी दालों को अच्छे से हम बीन के, छांट पछोर के तब लिए हैं, साफ सुथरा है, स्वच्छ है,
तो 2 लीटर पानी के लिए 300-350 ग्राम दाल काफ़ी होता है और इतने में 10 लोग आराम से खा सकते हैं, 8-10 लोग। तो दाल जब भी बनाएं करीमुआ के लिए सकपैता, तो थोड़ा सा उसमें उड़द का दाल जरूर मिलाएं। आप तो दाल को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मसूर का दाल भी ले सकते हैं, चना का दाल भी ले सकते हैं, मटर का दाल भी ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उड़द दाल जरूर मिलाएं। तो इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन सभी दालों को हम अच्छे से धुल लेते हैं। पानी भी इधर गर्म हो गया है, दाल को इसमें हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो दाल में उबाल आने लगा है और इसका जो फेन है ऊपर आ गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। दाल का फेन निकाल कर ही बनाएं तो दाल बहुत ही बढ़िया बनती है। पहले के बुजुर्ग लोग ऐसे ही बताते थे, जो दाल का फेन होता है उसे निकाल कर ही बनाते हैं। तो दाल का फेन हम निकाल लिए हैं और दाल में उबाल आने लगा है। अब इसमें हम करीमुआ जो काट के रखे हैं तिन्हें हम डाल देते हैं। का भा धुआं लग का भाई बाबू के, चलो हला ले ले खिले। करीमुआ डालने के बाद इसे ऐसे ही हम छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए उबाल आने के लिए। दाल में उबाल आ गई है, अब इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी हींग। तो जब करीमुआ दाल में उबाल आ जाए तभी इसमें सब सामग्री डालें। स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 से 1.5 चम्मच हल्दी आप इसमें डाल दीजिए। तो सभी सामग्री इसमें हम डाल के अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं। 2-3 सीटी आने तक इंतजार करेंगे। अब इधर हम तड़के के लिए लहसुन और मिर्च भी तैयार कर लेते हैं। बाबू गिर जाब आ। करीमुआ दाल बन के तैयार है, लगभग 4-5 सीटी आ चुका है। अब इसे हम उतार देते हैं और इधर हम तड़के के लिए जो सामग्री काट रहे थे तैयार कर रहे थे, तो सभी सामग्री हम तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हम सरसों का तेल लगभग 50 ग्राम 1 बड़ा चम्मच लेंगे। तेल गर्म हो गया है और इधर हम कुकर का जो है सीटी भी थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे ताकि इसका जो है गैस निकल जाए। और इधर हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हम थोड़ा सा हींग लिए हुए हैं, हींग जरूर डालना, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हींग हम दाल में डाले हैं तो इसलिए हींग थोड़ा सा ही इसमें लेना है। अब यहाँ पे हम 2 पूती लहसुन काट के बारीक लिए हैं, लगभग 30 कली लहसुन है। लहसुन को धीमी आंच पे थोड़ा सा सुनहरा होने देना है। धीमी आंच पे लहसुन पकाने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच हम जीरा इसमें डालते हैं। एक बार इन्हें चलाएंगे। बारीक कटे हुए 2 हरा मिर्च। तड़का हमें धीमी आंच पर ही पकाना है, तेज आंच पे ना पकाएं, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जब भी दाल में तड़का लगाएं तो धीमी आंच पर ही तड़का तैयार करें। हरी मिर्च थोड़ा सा पक गया है सभी मसाला। अब इसमें हम 2 से 3 लाल मिर्च डालेंगे, जो सूखा लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसे हम तोड़ देंगे। सूखा लाल मिर्च डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दाल का। तो इन्हें भी हम धीमी आंच पर पकाएंगे लगभग 10-15 सेकेंड। इधर देखिए दाल भी बहुत ही बढ़िया तैयार है। तो देखिए 2 लीटर पानी हम रखे हुए थे तो लगभग 1.5 पाव पानी गल गया है, जल गया है पकाते पकाते। और हमारा सकपैता जो है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है, करीमुआ का सकपैता। और इधर तड़का भी तैयार है, एकदम परफेक्ट है तड़का। देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का एकदम तैयार है और इसी तरह से थोड़ा लाल रंग का हमें तड़का तैयार करना होता है। अब इस तरह से हम दाल में डाल के ढक देंगे, तुरंत इसे हमें ढक देना है। लगभग 5 मिनट इसे हमें खोलना नहीं है। तो लीजिए करीमुआ का मिक्स दाल सकपैता बन के तैयार है। देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर।
और कितना टेस्टी, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ही परफेक्ट इस तरह से बनाएंगे तो आपका दाल बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और खाने में तो टेस्ट आप खा के ही बताएंगे कमेंट करके कैसा है। इसे हम परोस देते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से बनाएं करेमुआ का सकपैता मिक्स दाल। तो लीजिए करेमुआ मिक्स दाल सकपैता बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, एकदम देसी और साधारण तरीके से जो लोग घर से ज़्यादा बना के खाएं और स्वस्थ रहें बिना बगैर मसाला के। जो बिना मसाला के भोजन बनता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आज हम करेमुआ मिक्स दाल सकपैता बनाए हुए हैं रोटी और चावल के साथ खाने के लिए। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।